डॉक्टर यूनुस जो शांति के लिए जिनको नोबेल पुरस्कार प्राप्त है, उनकी सरकार के अंदर हिंदुओं के ऊपर हमले जो हैं वो लगातार जारी हैं, चाहे वो धार्मिक स्थल हो, चाहे हिंदुओं के घर हो, चाहे उनके व्यापारी प्रतिष्ठान हो, लूटा जा रहा है, बहु बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, मारा काटा जा रहा है, लेकिन वहां की सरकार जो है उन लुटेरों के ऊपर, उन हथियारों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर रही। वहां पर संत जो है वो सेफ नहीं, संतों को जेलों के अंदर डाला जा रहा है, जो हिंदू की बात करता है उनको जेलों में अंदर डाला जा रहा है। हम भारत सरकार से मांग करते हैं कि भारत सरकार यूएनओ के अंदर जाकर वहां पर शांति सेना भेजने का जो है वो काम जो है, वो निर्देश जो है वो दे, क्योंकि हिंदू जो है वहां पर खतरे में है, वो अल्पसंख्यक है और लगातार हमले जो है वहां पर जारी है। हम माननीय प्रधानमंत्री जी से, हम माननीय गृह मंत्री जी से, हम माननीय विदेश मंत्री जी से ये अपील करते हैं कि जितना भी यहां से सामान जो है निर्यात किया जा रहा है बांग्लादेश के अंदर, चाहे वो बिजली है, चाहे वो आलू प्याज या कोई भी सामग्री है, उसको तुरंत बांग्लादेश के अंदर जाने से रोका जाए। जिस प्रकार से त्रिपुरा ने कुछ निर्देश लिए हैं, चाहे वहां की होटल एसोसिएशन है, रेस्टोरेंट एसोसिएशन है, चाहे वहां की सरकार है, जिस प्रकार के निर्देश उन्होंने लिए हैं, जो निर्णय लिए हैं वो काबिले तारीफ है। इसलिए हमारी मांग है कि उसी प्रकार के निर्णय भारत सरकार भी ले, ताकि ये बांग्लादेश के अंदर ये जो जिहादी है जो लगातार हिंदुओं के ऊपर हमले कर रहे हैं, ये भूखे मरने चाहिए। इनको याद आना चाहिए कि इन्होंने कई वर्षों तक जो है इस कान के मंदिर में खाया और उसी मंदिर के ऊपर हमला करने का काम जो है इन्होंने किया, और उन्हीं संतों को जिन्होंने संतों ने पूरे विदेशों से फंड इकट्ठा करके इनको खिलाने का काम जो है 57 साल किया, और इन्होंने उन्हीं को मारने का काम जो है वहां पर किया है। और इस काम के जितने भी संत जो इन्होंने जो हिरासत में लिए हैं उनको तुरंत छुड़वाने का काम जो है वो भारत सरकार करे, ये हम मांग जो है आपके चैनल के माध्यम से कर रहे हैं। Bangladesh jihadi।